Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the part that is types of organic reactions. Kitne types hai hamare? Four different types ke organic reactions hote hain main. First one that is addition, elimination, another rearrangement reaction, and last one which one is that is a substitution reaction. Okay? Now see the reaction, which one is that? That is the addition reaction. Naam mein sab kuch hai. What is meant by addition reaction? Addition reaction ka matlab kya hota hai? Addition of something part, matlab addition of reagent into the reactant. In that case, triple bond makes double bond makes what? Single bond. Dekho, kya hoga? Agar maine yahan pe carbon-carbon triple bond use kiya hai, okay? So this is a part of what here? Alkyl. Now when this alkyl reacts with the further any compound, consider here is a H2 now. ठीक है, या फिर Br2 ले सकते हैं. आपकी 11th स्टैंडर्ड के बुक में एक्चुअली इसका एग्जांपल बेस्ड में है. नाउ वन ऑफ द Br दे अटैक ऑन द फर्स्ट, अनदर गोज टू द सेकंड कार्बन एटम बाय यूजिंग दैट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? डबल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड मेक्स व्हाट? डबल बॉन्ड. व्हाई? बिकॉज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होनी चाहिए? वैलेंसी ऑफ कार्बन कंपल्सरी इज अ 4 नाउ. ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें? अल्किन. एंड फर्दर व्हेन एडिशन ऑफ Br2 इन दैट अगेन अल्किन इन द केस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट Br होगा, यहाँ पे सेकंड Br होगा. नाउ व्हेन एडिशन ऑफ फर्दर दैट टू Br इनटू दैट कार्बन एटम्स, देन व्हाट हैपन? ये तो बाकी का होगा, हाइड्रोजन हो सकते, इट मे बी अ सिंपल मिथाइल ग्रुप ना. ठीक है, ऊपर जाएगा Br, यहाँ पे भी आएगा एक Br, इन द सेम वे दिस इज अ Br ना. इन शॉर्ट क्या हो रहा है? अल्काइंस मेक अल्किन, अल्किन्स मेक व्हाट हियर? अल्किन मीन्स व्हाट? वाई एन ई मेक्स क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड मेक्स डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मेक्स व्हाट? या सिंगल बॉन्ड. ठीक है, अब इसके भी टाइप्स होते हैं. कौन से टाइप्स हैं? विच वन इज दैट? फर्स्ट वन दैट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट वन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड लास्ट वन विच वन इज दैट? दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, नाउ कंसिडर द फर्स्ट वन पार्ट दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में? न्यूक्लियोफिलिक इसका मतलब क्या है? अगेन नाम में ये सब कुछ. न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होगा? दैट इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा ना. ठीक है, कंसिडर मैंने यहाँ पे यूज किया कंपोनेंट दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH. नाउ व्हेन दिस कंपोनेंट रिएक्ट्स विद फर्दर HCl. ठीक है, HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन साइलेंट. इन दिस वन CN कैरी नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो व्हाट हैपन? अटैक ऑफ दिस हाइड्रोजन कंसिडर टुवर्ड्स ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम, ऑब्वियसली CN गोज टू द सेकेंड कार्बन एटम ना. मतलब यहाँ पे किसका अटैक हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक हो रहा है. ठीक है, दिस इज द फ्री रेडिकल, एक्चुअली हाइड्रोजन प्रोटॉन ही सिंपल ये. तो क्या बनेगा हमारा? CH यूज CH2, ट्रिपल बॉन्ड मेक्स हियर डबल बॉन्ड, एंड आफ्टर दिस वन व्हाट हैपन? CH हियर अनदर पार्ट व्हिच वन इज दैट? CN ना. CH2 डबल बॉन्ड क्या बनेगा यहाँ पे? CH एंड देन व्हाट हियर? CN बनेगा ना. ठीक है, इन द सेम वे अगर मैंने यहाँ पे एसीटोन लिया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, व्हेन दिस एसीटोन रिएक्ट्स विद हियर HCl, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है एडिशन का, तो क्या होगा? अगेन दिस डबल बॉन्ड मेक्स सिंगल बॉन्ड, अटैक ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑन व्हाट हैपन? ऑक्सीजन एटम, एंड CN गोज टू दैट कार्बोकैटायन, कार्बन विच कैरी हियर नाउ व्हाट? पॉजिटिव चार्ज. तो क्या मिलेगा कंपोनेंट हमारा? CH3, सी हियर व्हाट? OH, अनदर CH3, CN गोज टू द डाउनवर्ड साइड. ठीक है, सो इन शॉर्ट एसीटोन गिव्स व्हाट? टू साइनो. कितने कार्बन से यहाँ पे? 3 कार्बन से. इसका मतलब बनेगा प्रोप सिंगली बॉन्डेड है प्रोपेन, एंड प्रोपेन के लिए सेकेंड पोजिशन पे क्या आ रहा है यहाँ पे? ऑल आ रहा है. मतलब क्या बनेगा? 2 साइनो प्रोपेन 2 ऑल बनेगा ना. ओके, सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. समझ में? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? नाउ कंसिडर हियर विच वन इज दैट? दैट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकेंड वन टाइप. सी दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
एडिशन रिएक्शन ना, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय हियर इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब किसका अटैक होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, द ग्रुप विच कंटेन्स व्हाट हियर पॉजिटिव चार्ज ना, ठीक है। अब इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, कंसिडर हियर सी एच थ्री सी एच, हियर इज व्हाट डबल बॉन्ड एंड देन व्हाट सी एच टू ना, ठीक है। व्हेन दिस कंपोनेंट विच रिएक्ट्स विद सपोज हियर एच बी आर, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड मेक्स हियर सिंगल बॉन्ड, अटैक ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑन दिस वन केस बाय अटैक ऑफ बी आर टुवर्ड्स ऑन द सी एच एटम, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ वॉट सी एच थ्री सी एच, देन वॉट सी एच टू विच कंटेन्स एच, मतलब क्या आएगा ये सी एच थ्री बाय एडिशन ऑफ दिस बी आर टुवर्ड ऑन दैट मिडल केस में, ओके। अगर हमने इसको हीट किया, जस्ट अगर इसके ऊपर पेरोक्साइड ऐड किया, दैट इज एच टू ओ टू, सो दैट बी आर गोज टू दिस वन साइड, मतलब क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू, और उसके बाद क्या आएगा सी एच टू बी आर आएगा, ओके। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट हियर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थर्ड वन टाइप क्या होता है हमारा, दैट इज वॉट फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल कंसिडर मैंने पहले किया था, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच यूज किया, अगर मैंने यहाँ पे बी आर टू की एडिशन की तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड मेक सिंगल बॉन्ड, बी आर टू का मतलब क्या होता है बी आर बी आर, बराबर है, ओके। तो एक तो ये डबल ट्रिपल बॉन्ड मेक सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे फॉर्मेशन डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज कर रही हूँ, तो एक कार्बन कार्बन का अटैक फॉर्म करेगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, यहाँ पे भी सेम होगा, एक बी आर का अटैक अगर यहाँ पे होगा तो कंसिडर मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, यहाँ पे मैं बी आर कर रही हूँ सी एच बी आर, ये आएगा एज इट इज हमारा कार्बो कैटायन, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज फर्दर केस में क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा सिंपल कंपोनेंट अनदर वॉट, दैट इज सी एच बी आर डबल बॉन्ड सी एच एंड अनदर वॉट हियर बी आर। फर्दर अगर बी आर टू की एडिशन करोगे इसके ऊपर तो इसका मतलब क्या होता है, बी आर बॉन्ड सिंगल बी आर ना, एक बी आर यहाँ पे जाएगा दूसरा बी आर यहाँ पे जाएगा, फिर से ये फ्री रेडिकल बन रहे, एक बी आर एक यहाँ पे गया तो फर्दर एक गया, उसके बाद क्या होगा सी एच टू, सी एच टू यहाँ पे एक बी आर है यहाँ पे एक है, दिस इज द अनदर टू बी आर, समझ में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ना, ठीक है। देखो एडिशन रिएक्शन से कितने टाइप्स है हमारे, थ्री टाइप्स विच आर दैट, that is which one nucleophilic addition reaction, electrophilic addition reaction and last one which one is that is a free radical addition reaction। I hope so आपको ये part मेरा समझ में आया होगा, okay, thank you।